आपने आप में से किसी ने निक वोजेसिक का नाम सुना? निक वोजेसिक जी, बताएंगे वो बंदा कैसे पैदा हुआ था, मतलब किस सिचुएशन में पैदा हुआ था, किस हालत में जी वो बंदा, उसके ना आप इमेजिन करें, हम इमेजिन ही करेंगे तो हिल के रह जाएंगे, उसके बाजू भी नहीं है, दोनों पांव भी नहीं है, और वो बंदा क्या, उस बंदे को जब डॉक्टरों ने उसकी बात हुई, डॉक्टर कहते हैं कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकेगा, नॉर्मल लाइफ कभी नहीं गुजार सकेगा। जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसको होश आया, उसके वाले ने उसको सपोर्ट किया, तो वो पहले उसके जहन में आया कि मैं खुदकुशी कर लूं। देखिए मैंने आपको बोला उसको भी स्ट्रेस आई है, हालांकि वो मजदूर है, पाँव भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, वो कहता मुझे मेरे जो क्लास फेलो से इतना बुली करते, इतना बुली करते, मेरा दिल करता था कि मैं ना खुदकुशी कर लूं और खुद को खत्म कर लूं, ये कोई लाइक है? फिर एक ऐसा पॉइंट, एक लम्हा आपकी लाइफ में भी आता है जब आपको एक चेंज होने का मौका मिलता है, लाइफ को बदलने का मौका मिलता है, स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिलता है। अच्छा, उसको उसकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट है, वो कहता अब नहीं, बस बस अब मैं लोगों को सिखाऊंगा कैसे जिया जाता है, अब मैं लोगों को सिखाऊंगा हाथों और पांव के बगैर भी एक लाइफ गुजारी जा सकती है, एक अच्छी लाइफ गुजारी जा सकती है। और आज आप यकीन नहीं करेंगे, दोनों हाथों और पांव से मजदूर है, और उसका शुमार दुनिया के टॉप के ट्रेनर और स्पीकर में होता है, टॉप फोर में उसका आज शुमार होता है, और वो पता नहीं पूरी दुनिया घूमता है। और अब देखें, जब आप खुद को मजबूत कर लेते हैं, मजे की बात ये है कि जो दुनिया होती है, जो कायनात होती है, जो कुदरत होती है, आपकी मर्जी की चीजें डिजाइन करना शुरू कर देती हैं। कैसे? अब वो पता ना पांव से उसके, उसना पांव है ना हाथ है, उसके लिए क्या है, उसके लिए पता क्या, गाड़ी चलाने के लिए लोगों ने, साइंसदानों ने चीजें ईजाद कर दी, मशीन ईजाद कर दी थी वो गाड़ी चला सके, उसके चलने के लिए एक वो व्हील चेयर से ईजाद कर दी है, वो ऑटोमेटिकली चलती है, वो ईजाद कर दी है। वो आपने स्टीफन हॉकिंग के बारे में सुना होगा ना, जब वो बंदा, उस बंदे ने कुछ करने का सोचा, उसने कुछ करके दिखाया, तो क्या किया वो, उसको कुछ भी नहीं, वो तो टोटली मजबूत था ना, उसकी पलकें सिर्फ काम करती थी, साइंसदानों ने क्या किया, उसकी पलकों को वो ट्रांसलेट करने के लिए एक ऐसी मशीन बना दी, जब वो पलकें हिलाता था ट्रांसलेट करती थी कि ये क्या कह रहा है। मेरे क्या बताने का मकसद ये कि जब आप मजबूत कर लेंगे ना, चाहे लड़की है चाहे लड़का, दोनों ही जब मजबूत कर लेंगे तो कायनात आपके लिए चीजों को डिजाइन करना शुरू कर देती है, कायनात आपके लिए सहूलतें पैदा करना शुरू कर देती है। अब आपने चूज करना है कि ऑप्शन कौन सा लेना है, उसको मजबूत करना है या आपने गिव अप कर देना है। वो कहते हैं कि जैसे पता नहीं किन्नों ने बोला था, आपने बोला था कि जहां पर खड़े हुए वो लाइन बोलनी चाहिए जिसका आपको एक्सपीरियंस हुआ, बहुत अच्छी लाइन थी, एकदम इस लाइन पर टैपिंग होनी चाहिए, छोड़ू कोई काम कर लू लेकिन मैंने क्या कहा लतीफ तूने करना है, लतीफ तूने करना है, और इंटर गुजर गया। उसके बाद बीएससी में भी कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने कहा कि लतीफ तूने करना है। उसके बाद मास्टर में मुझे हर इम्तिहान मैंने अच्छे नंबरों से पास किया, प्रिपरेशन करके दिया और बहुत अच्छा जाता था इम्तिहान। मास्टर में मैं फर्स्ट सेमेस्टर था, मेरा एग्जाम था, तो तैयारी बिल्कुल नहीं थी। आप शायद ये छोटी सी बातें लगी आपको, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वो इनके बाद मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा ये कुछ बातें बता देता हूँ, ऐसे नहीं मैं कहीं से पढ़ के नहीं बोल रहा, ये एक्सपीरियंस शेयर किया, जॉब चूज करने का मकसद भी मेरा यही था, मैंने खुद ही चूज किया, कहीं से देख के नहीं कि ये अच्छा है तो उसको खुद से चूज किया, मेरे दिल ने कहा कि ये चूज करो। अच्छा, तो एग्जाम था मेरा मास्टर का, जरा तैयारी नहीं थी, क्योंकि पहले पिछले साल एग्जाम मैंने तैयार होके दिए, तो बहुत मतलब अच्छे जाते थे, तो इतना मैं स्ट्रेस में चला गया, पैनिक हो गया बिल्कुल ही, कुछ एक दो दिन रहते थे एग्जाम में, तो मैं इतना टेंशन में, परेशानी में, सारे समझाने वाले वो कहते ना कि वो एक अजीब से पैनिक हो जाना, जिसमें बंदे को समझ नहीं आती क्या खाना पीना सब भूल गया था। तो वहाँ वो कहते ना, जब आपको लगे ना कि अब बस सब कुछ खत्म हो गया, वही लम्हा होता है उसको संभाल लेना, वही लम्हा होता है उसको। छोटी बात ही होगी। अच्छा, मैं क्या लॉक किया रूम को लॉक करके, तो मैंने खुदा के आगे दुआ के लिए हाथ उठा दिया, दुआ के लिए हाथ उठाए तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैंने कहा यार मेरे अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ,
हालांकि मुझे लगता नहीं था ये इतनी बड़ी बात है, कोई ये तो दुनियावी इम्तिहान है, इसमें से कोई शोर नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या बात है, इतनी स्ट्रेस है, क्यों है मुझे। जैसे ही पता, और भी बहुत सारी बातें मैंने बोली थी अल्लाह ताला से, खैर वो आंसू भी मेरी आंखों में आ गए। तो जैसे ही मैंने दुआ खत्म की तो मैं ऐसे पुरसकून हो गया जैसे पता नहीं कुछ हुआ ही नहीं होता। बताने का मकसद ये कि जो लम्हा होता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता, वही लम्हा खुद को संभालने का होता है। अगर आप किसी को कुछ नहीं बता सकते तो अल्लाह ताला तो बैठा है ना, आराम से जाए रूम में जाके खुद को उसके सामने खोल के रख लें कि मेरी ये मसला है, मेरी ये परेशानी है, ये टेंशन है। को कर हर तकलीफ से पहले खुदा बता दे। ये शेर समझना भी हर किसी के बस की बात नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये शेर समझना भी किसी के हर किसी के बस की बात नहीं है। सर ऐसे नहीं बोल दिया उन्होंने कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, मैंने वही बताया, वो लम्हा जहां पर आपको लग रहा होता है कि कुछ नहीं रहा, सब कुछ उड़ गया, खत्म हो गया, वही लम्हा आपको आपने संभालना होता। अगर आपने उस लम्हे में खुद को संभाल लिया तो खुदा की तरफ से आएगा बता तेरी रजा क्या है। ये बात होती है बता तेरी रजा क्या है। अब ऑप्शन आपके पास है क्योंकि दैट इज नॉट इजी, You should be strong. आपको मजबूत होना पड़ेगा, आपको मजबूत होना पड़ेगा, आपको मजबूत होना पड़ेगा, इस फिक्र को बार बार आपने कहना है, आपको मजबूत होना पड़ेगा। और दूसरी बात जो छोटा सा पॉइंट है आज का, जो मतलब बेसिक मेरा पॉइंट था, 15 मिनट में छोटा सा पॉइंट ही डिस्कस होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब आपको एक कामयाबी मिल जाती है उसके बाद जिंदगी कोई आसान नहीं है, याद रखना मेरी बात। आप लोग एक कामयाबी मिली उसके बाद नया चैलेंज, उसके बाद नया चैलेंज, उसके बाद नया चैलेंज, एक आपको बार बार मुश्किल का सामना होगा। शुरू में आपको लगेगा कि यार ये क्या मुसीबत है, क्या मसला है, हर मतलब इतने मुश्किल मेरे लिए क्यों है। एक लेवल ऐसा होगा वो आपको मुश्किल परेशानियां स्ट्रेस स्ट्रेस नहीं लगेगी, आप कहोगे ये तो मसला ही कोई नहीं है, आपके माइंड में सोल्यूशन खुद ही खुद ब खुद आते चले जाएंगे, आपकी टीम आगे काम करती चली जाएगी, यार इसको ये करो, उसको वो करो, उसको वो करो, बस आपने खुद को संभालना है, खुदा के खुद पूछेगा पता तेरी रजा क्या है। अच्छा जी, उसके बाद एक लास्ट जो स्टोरी है ये सुनाऊंगा, उसके बाद खत्म करूंगा क्योंकि काफी टाइम हमारे भाई मुनीर भी बैठे हैं लाहौर से हैं, तो खत्म करूंगा। एक बच्चा जो मेरी बहन है फीमेल बैठी है इधर, वो समझ ले लड़की है, जो मेल बैठे वो समझ ले लड़का, अपने वालिद के पास आता है, वो कहता है कि जी जी लड़कियां जो लड़कियां और वो लड़कियां वो लड़कियां है ना, वो खुद को मोटिवेशन देने के लिए ना, वो समझे कि वो लड़की थी, और जो लड़के हैं वो समझे कि वो लड़का है, ताकि खुद को मोटिवेट कर लेना, ये ना हो कि मैं कह दूं कि वो लड़का था, लड़कियां बोले वो तो हम तो नहीं, तो दबा करो, के बाबा आपसे बात करनी है, बहुत परेशान, बहुत टेंशन में, और बहुत जैसे पता नहीं इसको क्या हो गया होता है, वाले साहब ने पूरी जिंदगी गुजारी होती है, वो समझ जाता बच्ची परेशान है। वो कहती हाँ जी बेटा क्या हुआ, कहता कि वो उसने पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो वो कहती कि बाबा मुझे मैं क्या करूँ, जॉब करती हूँ, काम करती हूँ, वहां पर प्रॉब्लम, फैमिली में प्रॉब्लम, दोस्तों में प्रॉब्लम, बाहर निकलती हूँ तो प्रॉब्लम, लोग बातें करते हैं, मुझे इतनी टेंशन होती है, मतलब मैं क्या करूँ, हर तरफ मेरे लिए मसाइल ही मसाइल बिखरे हुए हैं, मैं किस तरह से जिंदगी गुजारूं, किस तरह से खुद को मैनेज करूँ, किस तरह से इन चीजों के साथ डील करूँ। वालिद कुछ नहीं बोलता, वो पता क्या करता है, ऊपर देखता है, वो आपको मैंने बताया ना कि वो बड़े उन्होंने लाइफ गुजारी, वो समझ गया कि बच्ची का प्रॉब्लम क्या है, वो उसको ले जाता है किचन में, किचन में जाके वो थोड़ा सा पानी किसी ने किसी बर्तन में डालता है और चूल्हे के ऊपर रख देता है, उसके अंदर डाल देता है एक अंडा, क्या डाल देता है, अंडा डालता है, थोड़ी देर के बाद वो आपको पता है कि उबल जाता है, पक जाता है, उसने वो पानी में से अंडा निकाला, बाहर रख दिया, उसके बाद एक पोटैटो डाला, आलू डाला उस पानी के अंदर, आलू को थोड़ी देर के लिए पकाया, जब वो पक गया उसको बाहर निकाल के रख दिया। अब उसने उसको बच्चे को बोला क्या ऐसा करो आलू को दबाओ, आलू को दबाया, आलू वो रेजा रेजा के बिखर गया,
आलू को दबाया, टूट गया और बिखर गया। अब उसने बोला कि इस अंडे को दबाओ, अंडे को दबाया, वो सख्त हो चुका था। उसने बोला, बच्चे को बड़ी कड़ी बात बोली कि बेटा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जब मसाइल का सामना करना पड़ता है, मुश्किल का सामना करना पड़ता है, या तो वो नरम पड़ के टूट के बिखर जाते हैं, या वो अंडे की तरह मजबूत हो जाते हैं और मजबूत होकर वो बुराई की तरफ चले जाते हैं, गलत साइड पे चले जाते हैं, नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। आपको पता है कि जो नेगेटिव लोग होते हैं वो अंदर से पत्थर होते हैं। वो कहता है या तो बुराई और मसाइल की वजह से इंसान टूट के बिखर जाता है, या फिर पत्थर दिल होकर बुराई की तरफ चला जाता है। ये दो तरह के लोग होते हैं। फिर उसने तीसरी बार पता क्या किया, उसने कॉफी के जो बीज थे, कुछ कॉफी उसके अंदर डाल दी उसी पानी के अंदर। थोड़ी देर के बाद जो जब वो कॉफी उसके अंदर मिक्स होती है तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, पूरे घर में फैलती है। तो फिर उसने बड़ी कमाल की और बड़ी मजे की बात की। वो कहता, बेटा जो तीसरी किस्म के लोग होते हैं वो मसाले को गले लगाते हैं और कॉफी की खुशबू की तरह फैल जाते हैं। आपने देखना है कि आपने वो उस नरम होके बिखर जाना है, सख्त होके बुरा बनना है, या कॉफी की तरह हल होके खुशबू की तरह फैल जाना है, जिसको हर कोई पसंद करे कि यार ये बंदा वाकई इसने कुछ करके दिखाया है, इस बंदे की वाकई ही वैल्यू है। ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। किसी बंदे ने आदमी से पूछा कि तेरे हाथ में क्या है। वो पता नहीं किस मूड में बैठा था, किस सोच में बैठा था। उसने ऊपर नजरें उठाई, कहता है कि मेरा मुस्तकबिल, तेरे हाथ में क्या है। उसने बोला मेरा मुस्तकबिल। अब ऑप्शन आपके पास है कि क्या करना है। वो कहते हैं बनी बनाई चीज तो हर किसी को मिल जाती है, खुद का मकान बनाना तो कमाल ये है, खुद का मकान बनाओ तो कमाल यही है। अगर आप स्ट्रगल करके खुद को ऊपर लेके जाए तो कमाल ये है। ये नहीं कि आपको आपका खानदान का बिजनेस पीछे पड़ा हुआ, आपने यहाँ से एजुकेशन हासिल की और जाके बिजनेस संभाली, उसमें कोई कमाल नहीं है। कमाल ये है मुश्किल वक्त में खुद को मजबूत करें। कमाल ये है कि आपके पास कुछ ना हो, आप तहिया करें कि मैंने कुछ हासिल करना है। कमाल ये है कि जब आप टूट रहे हो तो आपको आपको टूटने से बचा। इस दो शार पढ़ूंगा उसके बाद एंड करूंगा। खिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। खिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जद पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। हवा की जद में दिया जलाना जला के रखना कमाल है ये है। वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर बिलन खड़ाए शिकस्त खाए। वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़ खड़ा है शिकस्त खाए। लबों पे ऐसी मुस्कुराहट सजा के रखना कमाल ये है। थैंक यू।